नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और मैं स्वप्निल जैन। कोरोना जब शुरू हुआ तब हर कहीं निराशा का माहौल था, लेकिन अब गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर दौड़ने लगी है। जिस तरह से राजस्थान की गहलोत सरकार ने काम किया है, उस तरह से राजस्थान पूरे देश में मसीहा बना हुआ है। और इसी कड़ी में गहलोत सरकार ने राजस्थान को चिरंजीवी बनाने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है। इसी के तहत अब आवेदन भी शुरू हो गए हैं और कोरोना टीका लगाने में भी राजस्थान अव्वल चल रहा है। 45 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाने की शुरुआत हो चुकी है, तो माना जा सकता है कि स्वस्थ राजस्थान का सपना लगभग साकार होने जा रहा है, यानी ये भी कहा जा सकता है कि चिरंजीवी भव। इसी को लेकर हम नगर के सीएचसी प्रभारी से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि चिरंजीवी योजना का लाभ आपको कैसे मिलेगा। राजस्थान चिरंजीवी भवों का आगाज हो चुका है। हर परिवार को निशुल्क स्वास्थ्य बीमा का रजिस्ट्रेशन शुरू। 1 मई से योजना लागू कर लोगों को मिलेगा लाभ। हर परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का फ्री इलाज। सरकारी और संबंध व निजी अस्पतालों में होगा फ्री इलाज। स्वास्थ्य बीमा कवर में कई बीमारियों के इलाज के पैकेज। 1576 पैकेज और प्रोसीजर किए गए हैं शामिल। मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले तक का खर्च भी शामिल। परामर्श, जांच, दवा व डिस्चार्ज के बाद 15 दिन तक का भी खर्च शामिल। योजना का लाभ लेने के लिए करना होगा ऑनलाइन पंजीयन। ई मित्र पर जन आधार के लिंक प्लेटफॉर्म से भी करवाया जा सकता है पंजीयन। 10 अप्रैल तक लगाए जा रहे हैं विशेष पंजीयन शिविर। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर लगाए जाएंगे शिविर। शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर लगाए जाएंगे रजिस्ट्रेशन शिविर। 30 अप्रैल तक जारी रहेगा रजिस्ट्रेशन का काम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभान्वित को रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं। सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों के लिए भी पंजीयन जरूरी नहीं। जब 45 साल से ज़्यादा उम्र वालों की भी वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, तो आइए आपको बताते हैं कि ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी और पूरी होगी। सरकारी व निजी अस्पतालों के अलावा प्राइवेट सेंटर्स में भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में लगाई जा रही है वैक्सीनेशन, तो वहीं प्राइवेट अस्पतालों में 1 डोज लगाने के 250 रुपये का चार्ज लिया जा रहा है। कुछ हफ्तों के बाद वैक्सीनेशन की दूसरी डोज भी लगाई जाएगी, जिसका चार्ज भी 250 रुपये होगा। जिस तरह से राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री की एक चिरंजीव स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आज ग्रसित बीमारी वालों को 4.5 लाख रुपए का कैशलेस बीमा भी शुरू हो चुका है। हम बात करते हैं भवानी मंडी के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रोहिताज से। जिस तरह से एक साल से कोविड जो है जिस तरह से पूरे देश के अंदर छाया था और कई लोगों की मौत हो चुकी थी, भवानी मंडी में अब तक एक साल में 6,000 से ऊपर जो है वो केस जो है वो थे, उसके अंदर 281 केस जो है वो पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें से 268 करीब जो है वो नेगेटिव आ चुके हैं। हम बात करते हैं किस तरह से पद आने के बाद कोविड टीकाकरण की हम बात करें तो कितने टीके रोज लग रहे हैं और किस तरह का लाभ जो है यहाँ की जनता को मिल पा रहा है। रोजाना 200 से 250 कभी 300 लग जाते हैं जी, टीके लग रहे हैं। और पहले तो स्वास्थ्य हेल्थ कर्मियों को लगा जी, दूसरा फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगा, तीसरा 60+, और अब 45 to 59 ईयर्स वालों के लग रहा है। सैंपलिंग जो हो रही है रेलवे स्टेशन में, किस तरह से सैंपलिंग की जा रही है दोबारा दूसरी लहर आने के बाद? जो बाहर के स्टेट से आ रहे हैं उनकी रोजाना सैंपलिंग हो रही है। डेथ कितनी हो चुकी है अब तक कोविड में? कोविड में अभी तक भवानी मंडी क्षेत्र में 9 की डेथ हो चुकी है। 9 की डेथ हो चुकी है। और एक्टिव केस कितने हैं भवानी मंडी में? एक्टिव केस 8 हैं,
81 सैंपल लिए थे टोटल साल भर में जी, जिनमें से 281 एक्टिव केस पाए गए थे, 264 रिकवर हो चुके हैं। अभी प्रेजेंट टाइम पे 8 केस एक्टिव हैं। और अभी जो टीकाकरण अभियान जो चल रहा है उसमें 200 से ऊपर आउट हो जाता होगा, तो किस तरह का ध्यान रखना पड़ता है टीका लगने के बाद? टीका लगने के बाद आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, उसके बाद 7,139 के टीके लग चुके हैं अभी तक, फर्स्ट और सेकंड डोज लोड में जी। टोटल जो अभी तक तो ऐसा कोई केस यूं हुआ नहीं कि किसी को कुछ हुआ हो। और जिस तरह से एनएम जीएनएम जो है वो आंगनवाड़ी जो है वो वार्ड वाइज जाके जो सर्वे अभियान जो चल रही है टीका लगकरण को लेकर जो अपील कर रही है, वो क्या योजना चल रही है पूरी? वो एक सरकार की योजना है कि सभी के टीके लगें जी और कोरोना से मुक्त हो अपना राजस्थान जी, सरकार की ये योजना है। और जिस तरह से कोई कोविड का टीका लगता है तो क्या जांच होना जरूरी है उसकी पहले उसकी, अगर उसको ग्रस्त बीमारी हो या कोई ज़्यादा गंभीर बीमारी हो तो टीका लग पाएगा या नहीं लग पाएगा? नहीं, ऐसे पेशेंट है, किडनी डिजीज है, हार्ट डिजीज है और कोई डिजीज है जिनकी इम्यूनिटी पावर कम, ऐसे पेशेंट को तो लगवाना चाहिए आगे होकर के, जिससे कम से कम वो इससे कोरोना से ग्रसित नहीं हो। अच्छा, ग्रसित नहीं। और एक सवाल हो कि जिस तरह से भवानी मंडी में लगातार समाज सेवी भामाशाह कई लोग टीकाकरण को लेकर आगे आ रहे हैं, तो कोई ऐसी कैंपेनिंग शुरू करिए जो हमारे 55,000 जो सरकारी दस्तावेज जो लोग हैं उनके सभी के टीके लग जाए। एक तो प्रेग्नेंट वुमेन जो बच्चों को दूध पिला रही है, दूसरा 18 से बिलो है जी उनका कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो उनके तो नहीं लगेंगे। जो 18 से अबोव है उनके सभी के आगे चल के सरकार, अभी तो 45 से 59 वालों के लगभग चरण चल रहा है जी। अब ये चरण पूरा होता है उसके बाद में 18 से अबोव वालों को ये टीके लगे। दूसरी चीज़ ये कि राजस्थान सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, वो किस तरह की योजना, कैसे लाभ मिलेगा उन ग्रसित बीमारी वालों को, दुर्घटना वालों को? जो बड़ी बीमारियां हैं जैसे मेडिकल कॉलेज होता है, कैंसर है, हार्ट का है, कुछ इसके वाल डलना है, किसी के छल्ला डलना है जी, इन बीमारियों में मतलब बड़ी बीमारियों में सरकार ने 4.5 लाख तक का पैकेज है, फैमिली पैकेज जी, और छोटी मोटी बीमारियों के लिए परिवार का 50,000 का पर ईयर का एक पैकेज है। प्रीमियम उसकी क्या है कि जैसे 850 रुपये, हमने सुना है कि भाई 850 रुपये उसको सालाना प्रीमियम देनी पड़ेगी, वो जैसे खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं है, बीपीएल में नहीं है जी, वो उनके लिए है, उनके लिए वो 850 रुपये प्रीमियम। तो किस तरह की मॉनिटरिंग की जाएगी इसको लेकर, लोगों तक लाभ कैसे पहुँचेगा चिकित्सा के माध्यम से? भाई आयुष्मान भारत का पहले से योजना चली आ रही है, ठीक है, आयुष्मान योजना चली है, अब एक मई से उसका लाभ मिलने लग जाएगा, उसका लाभ एक महीने तक मतलब रजिस्ट्रेशन होगा, एक रजिस्ट्रेशन ई मित्र पे ऑनलाइन। तो बात कोविड के टीकाकरण की करें, अब तक कितने केस थे और कितने केस पॉजिटिव नेगेटिव हो गए हैं, और उसके बाद जो टीकाकरण अभियान है वो लगातार निरंतर रूप से चल रहा है। सरकारी दस्तावेज की हम बात करें तो 55,000 जो है वो यहाँ मतदाता माने जाते हैं, उनका टीकाकरण अभियान जो है वो निरंतर रूप से चल रहा है, कम से कम 200 से 300 टीकाकरण डेली के यहाँ चल रहे हैं। बात करें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की, अगर आपको इसका लाभ लेना है तो पास के ई मित्र केंद्र पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 1 मई से ये चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू होगी, इससे लाभ उन ग्रसित बीमारी वालों को मिलेगा, दुर्घटना वालों को मिलेगा। राजस्थान अशोक गहलोत की मुख्यमंत्री की संवेदनशील जो योजना है इसमें काफ़ी कारगर साबित होने जा रही है।